वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा अलग जाने वाला है, क्योंकि मैं आपको कुछ बताने नहीं दे रहा हूँ अभी से, जो भी होगा आप देखोगे खुद अपने आप। तो क्योंकि ऐसे हिंद के लिए मैं आपको बोल देता हूँ कि एक मुझे आसाम आने के बाद मुझे एक ब्रांड प्रमोशन के लिए मुझे ऑफर मिला है, तो उसके रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। बाकी आप भी देखिए ब्लॉग को। हाँ, मेरा ड्राइवर जो गाड़ी चला के जा रहा है, अच्छा पगार देता हूँ मैं इसको। और ये रहा मेरा बचपन का दोस्त, मुझे हाय। अभी हम लोग लोकेशन पहुंच गए और अभी गाड़ी को सैनिटाइज कर रहे। तो ड्राइवर साहब आप क्या बोलेंगे? You know that right now sanitization, social distancing is very important. So as soon as we have reached the company, we have reached the corporate. So our car has been sanitized, and we'll just show you the next process. Hi. ये बिहार लास्ट को है ना? तुम्हारा फोटो ले ऐसे ना? हाई भी कोई दिया? हाई कोई दिया? हाई लेना। हम लोग फैक्ट्री पहुंच गए, तो अभी हम लोग जस्ट एक लुक ओवर लेंगे चीज़ों को, उसके बाद हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे क्लाइंट के साथ। वी हैव जस्ट रीच द कंपनी एंड माय हैंड्स आर बीइंग सैनिटाइज्ड। अभी हम लोग ने फैक्ट्री वगैरह देख लिया, तो थोड़ा बोर हो रहा था क्योंकि भैया भी थोड़ा मीटिंग वगैरह में बिजी है, तो इसके कारण हम लोग थोड़ा निकल के आ गया मैं और दोस्त। तो अभी हम लोग थोड़ा घूमने जाएंगे, तो देखेंगे यहाँ लोकेशन क्या है, क्योंकि ये अलग ही डिस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि जिससे मैं डिब्रूगढ़ से बिलोंग करता हूँ, ये आपका तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जहाँ पर ये बागजान पर आपका आग वगैरह लगा था। तो अभी देखते हैं ये यहाँ क्या क्या देख सकते हैं हम लोकेशन, आप लोग को भी दिखाएंगे कि लोकेशन है क्या क्या तिनसुकिया मैं जो गम नपाँ तैने भल्के। লোকেশন বুলি কবলে গলে উছৰতে আছে গুৰিজান, এডোখৰ পৰা অকণমান গৈ 4-5 কিলোমিটাৰ। তাত মানে তোমাৰ লৈ আৰু চাইডত তোমাৰ মানুহবোৰ যায় চাবলৈ, বেছিকৈ কাপলছ যায়। আৰু তোমাৰ এয়াই গৈ থকা দেখিবা তুমি। বাকী বাগজান কিমান দূৰ ইয়াৰ পৰা? এনেই বাগজান ইয়াৰ পৰা দূৰ হয় দূৰ হয় ন 7-8 কিলোমিটাৰ। সিআরবি আৰ্মি আৰু ইয়ে সাৰা আৰ্মি গাড়ী, ইয়ে সাৰা বৰ্ডাৰ পে যা ৰে আবি चाइना बॉर्डर। बोटिंग शूटिंग कोई होता है? बोटिंग शूटिंग या सब कोई होता है ना? तो ये रहा डेस्टिनेशन, हम लोग पहुंच गए अभी। तो अभी आपको हम लोग दिखाएंगे कैसा है लोकेशन, तो बहुत एक्साइटेड है अभी, फिर हम लोग देखने जाएंगे अभी। तो ये रहा लोकेशन, ये आपका लोकेशन को बोलते हैं गुड़ीजान। तो अभी पानी के कारण पूरा सब कुछ के अंदर घुस गया है, लोकेशन देख सकते हो। तो ये जब पानी कम हो जाता है तो यहाँ पे लोग रह भी सकते हैं, ये पूरा रिजोर्ट जैसा बना के रखा है अंदर। मौसम अभी इतना हल्का और इतना फ्रेश है कि आपको बोल नहीं सकते, आपको आप विजुअलाइज कर सकते हो, लेकिन आप एनवायरनमेंट देख के, पूरा बड़ा सा लेक है ये जो आप देख रहे हो, वो लास्ट वहाँ तक जाते हैं और बहुत ही लंबा है ये, तो इसे आपको मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसे अभी पानी के कारण अभी सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, लेकिन खोलेंगे तब तो ये रिजोर्ट अगर फिर रानी होंगे तब मैं फिर आऊँगा आपको ब्लॉग में दिखाऊँगा सब कुछ एक बार अच्छा से। तो बाकी एंजॉय कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। तो लोकेशंस और क्या होंगे मालूम नहीं है, क्योंकि दोस्त मुझे लेके आया है और यहाँ कुछ लोकेशंस होंगे तो मैं आपको बोलूँगा। तो ये बोट पे आ गए हैं और यहाँ से लोकेशन इतना अच्छा प्यारा लग रहा है कि आपको बोल नहीं सकते, पूरा लोकेशन आप देख सकते हो ये।
तो बाकी आप देख सकते हो ये कॉटेजेस वगैरह है जो कि रहने के लिए यहाँ पे आपको, अभी सीजन ऑफ है लेकिन जब खोल जाएंगे तो यहाँ पे रह सकते हैं हम लोग। तो बाकी घूमने के लिए फिर यहाँ लेके जाते हैं, तो लोकेशन बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, लेकिन अभी बंद चल रहा है। लेकिन जब आऊँगा मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अच्छा से वीडियो बना के दिखाऊँगा कैसे रहता है, क्या कपल्स के लिए भी अच्छा है कि इंडिविजुअल के लिए भी या कोई फैमिली के लिए भी, और उसके बाद घूमने जाने के लिए भी आपको लेके जाते हैं। क्योंकि अभी तो मैं बाहर से देखा हूँ सब कुछ, तो जिस दिन आऊँगा मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाऊँगा लोकेशन वगैरह। बाकी मस्त चल रहा है वो लाइफ। और अभी फिर जाने वाला हूँ हम लोग फैक्ट्री में, थोड़ा काम वगैरह है वजह से बात करना है, तो उसके कारण जाना है अभी। तो चलिए हो गल ना तो खत्म आओ ना किंग साइज थाली। So if you like the video, please do like, share and subscribe.